सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। जिले में ठोस कचरा परियोजना लागू करने वाली कालहर पहली ग्राम पंचायत भिवंडी ठाणे जिले में पहली बार कालहर ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र में जहां कोई प्लॉट भाषण में कालहर ग्राम पंचायत की तारीफ या जगह नहीं है, सवाल उठता है कि कोडा की ग्राम पंचायत कालहर विविध विकास काम उद्घाटन व लोकार्पण सोहले आने शहरों के साथ साथ गांवों में कचरा निपटान की चुनौती के बावजूद ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने किया, साथ ही तालुका के 60 गांवों में इसी तरह से ठोस अपशिष्ट परियोजनाएं पाटिल ने इसे लागू करने के लिए जिला परिषद को निर्देश दिए हैं। ठाणे जिले में बढ़ते शहरीकरण के कारण ठोस कचरा एक चुनौती बन गया है, खासकर कहां डंप किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में कपिल पाटिल एमपी के दूसरे कार्यकाल में यह छोटी सी जगह में काम कर ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायत के कालहर पदाधिकारियों ने इस तरह परियोजना को लागू करने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व विधायक योगेश पाटिल, जिला परिषद सदस्य देवेश पाटिल, जयवंत पाटिल, सरपंच भावना पाटिल, उप सरपंच भरत पाटिल, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीधर पाटिल, छत्रपति पाटिल आदि उपस्थित थे। भिवंडी तालुका के 60 गांवों में कचरे की समस्या है। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने सुझाव दिया कि इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को गांवों में लागू किया जाना चाहिए। कालहर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रोजेक्ट निष्पादित केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने परियोजना के उद्घाटन के मौके पर अपने कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी त्यांच्या शुभ हस्ते गणपती बाप्पाचं विशेष पूजन स्मरण केलं। मी विनंती करतो विद्यमान सरपंच उपसरपंच आणि माजी सरपंच संजय एकनाथ पाटील त्या तिन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण साहेबांचं पाटील माजी सरपंच ग्राम पंचायत पाले श्री महेंद्र
ठाणे जिल्ह्याचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील संसदेचे बुलंद आवाज जनसामान्यांचे नेते भिवंडी लोकसभेचे कार्यसम्राट तिन्ही मान्यवरांना विनंती केली आपण यानंतर मी विनंती करतोय मनापासून स्वागत आज निमंत या कार्यक्रमाच्या मनापासून स्वागत करतो योगेश रमेश पाटील माजी आमदार भिवंडी यांना विनंती करतो आपण तिकडे या कार्यक्रमाच्या संदर्भात एक दोन शब्दाबद्दल